नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद सिंह आज आप लोगों के साथ झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल का वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आशा करता हूँ कि आपके आगामी झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम्स में सहायक सिद्ध होगा। तो पहला है, वीर खाता का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वीर खाता का किला जो है वह पाकुड़ जिले में अवस्थित है। शिवपुर सोता गर्म कुंड राज्य के किस जिले में स्थित है? शिवपुर सोता गर्म कुंड जो है राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है। तो पहला वीर खाता का किला वो भी पाकुड़ में है, और शिवपुर सोता गर्म कुंड जो है वो भी पाकुड़ में स्थित है। माँ योगिनी मंदिर आज के किस जिले में स्थित है? माँ योगिनी मंदिर आज गोड्डा जिले में स्थित है। बाराकोपा पहाड़ी राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बाराकोपा पहाड़ी जो है वह गोड्डा जिले में ही अवस्थित है। दामिनी को राज्य के किस जिले में स्थित है? दामिने को साहिबगंज जिले में स्थित है। उधवा पक्षी विहार राज्य के किस जिले में स्थित है? उधवा पक्षी विहार जो है वह साहिबगंज जिले में स्थित है। राजमहल जीवाश्म अभयारण्य ने राज्य के किस जिले में स्थित है? राजमहल जीवाश्म अभयारण्य यह साहिबगंज जिले में स्थित है। तेलियागढ़ किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो तेलियागढ़ किला साहिबगंज जिले में स्थित है। तेलियागढ़ किला राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित है। सत्संग नगर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सत्संग नगर देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वैद्यनाथ मंदिर देवघर जिले में स्थित है। लुपुंगटू जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो लुपुंगटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। बेनी सागर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बेनी सागर पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। सारंडा वन राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सारंडा वन पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। जो सारंडा वन है राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही अवस्थित है। चौदवा देखते हैं, जगन्नाथ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो जगन्नाथ का किला जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, महादेवशाला मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो महादेवशाला मंदिर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। 16वां क्वेश्चन है, ईचागढ़ पक्षी विहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ईचागढ़ पक्षी विहार जो है सरायकेला जिला में अवस्थित है। 17वां क्वेश्चन है, मसानजोर बांध राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो मसानजोर बांध दुमका जिले में अवस्थित है। झुमका जल कुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो झुमका जल कुंड दुमका जिला में अवस्थित है। तपात पानी जल कुंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो तपात पानी जल कुंड जो है वो दुमका जिले में ही अवस्थित है। बासुकीनाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बासुकीनाथ मंदिर दुमका जिला में ही अवस्थित है। कल्याणेश्वरी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो कल्याणेश्वरी जो है वह जामताड़ा जिले में अवस्थित है। त्रिकुट पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी राज्य के देवघर जिले में ही अवस्थित है। हिरणी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हिरणी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। रंकिनी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रंकिनी मंदिर पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूल डुंगरी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो फूल डुंगरी पहाड़ी राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। धारागिरी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो धारागिरी जलप्रपात राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। 27वां नंबर क्वेश्चन, दालमा बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दालमा बिहार पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। दालमा बिहार पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। डिमना किस जिले में अवस्थित है? तो डिमना पूर्वी सिंहभूम जिले में ही अवस्थित है। 29वां नंबर क्वेश्चन है, जुबली पार्क राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो जुबली पार्क पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, माँ उग्रदारा मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो माँ उग्रदारा मंदिर जो है लातेहार जिले में अवस्थित है।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट राज्य के किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित है। महुआ डार अभयारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो महुआ डार अभयारण्य गुमला जिले में अवस्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू जिले में अवस्थित है। घाघरी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो घाघरी जलप्रपात लातेहार जिले में अवस्थित है। लोधा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो लोधा जलप्रपात या लोध जलप्रपात लातेहार जिला में अवस्थित है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, कांति जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो कांति जलप्रपात राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, वंशीधर मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो वंशीधर मंदिर राज्य के गढ़वा जिले में अवस्थित है। बलचौरा जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बलचौरा जलप्रपात राज्य के गढ़वा जिले में अवस्थित है। और 40वां नंबर क्वेश्चन है, सूखा डाड़ी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सूखा डाड़ी जलप्रपात राज्य के गढ़वा जिले में ही अवस्थित है। तो यह प्रमुख पर्यटन स्थल का यह वीडियो था। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।